नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियों का मौसम आ गया है और उसके साथ आ गए हैं गर्म दिन, हाफ स्लीव की शर्टें और ठंडा पानी। पर उसके साथ में एक और दिक्कत जो है हमारे देश में, वो है गुर्दे की पथरी, जिसके बारे में मैंने अभी को पिछले वीडियोस में गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, उसके लक्षणों के बारे में और उसके लिए जो कुछ आप ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो घर पर अप्ला सकते हैं ताकि ना बने। पर अगर इसके बावजूद आपको गुर्दे की पथरी बन गई है और गुर्दे की पथरी का इलाज दवाइयों से और उपचारों से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट है गुर्दे के पथरी के ऑपरेशन की। और आज के वीडियो का मुद्दा है गुर्दे की पथरी का लेज़र ऑपरेशन, और ये क्या होता है और कैसे किया जाता है और उससे जुड़े कुछ सवाल जो मुझसे मेरे मरीज़ अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मरीज़ मुझसे पूछते हैं वो है कि गुर्दे के पथरी का लेज़र ऑपरेशन क्या है। पहले ज़माने में जब गुर्दे में पथरी होती थी तो हमें पेट पर या कमर पर बड़े बड़े लंबे लंबे चीरे लगाकर गुर्दे को अपने हाथ में लेकर उसमें से पथरी निकालनी पड़ती थी। यह ऑपरेशन भयानक होते थे, दर्द होता था, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, टाँकों में पस पड़ना, टाँकों के अंदर इन्फेक्शन होना, कई तरह के रिस्क थे। पर पिछले 10-12 साल से गुर्दे की पथरी के इलाज में रेवोल्यूशन आ गया है। आज गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन लेज़र से होता है। लेज़र माने तो बहुत ही बारीक दूरबीन, इतनी बारीक कि सिर्फ 2 mm या 3 mm डायमीटर की दूरबीन, जिसको हम आपके मूत्र के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से या लिंग के मुंह से हम आपके अंदर लेके जाके उसको चढ़ाकर गुर्दे की नलकी से होते हुए गुर्दे में चले जाते हैं और वहाँ पर जो भी पथरी पड़ी है उस पथरी को हम लेज़र की एनर्जी से ब्लास्ट कर चूरा बना के निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं गुर्दे की पथरी का लेज़र ऑपरेशन। ये जो दूरबीन है ये गुर्दे की पथरी तक दो तरीक़ों से जा सकती है। एक होता है PCNL, PCNL मतलब जिसके अंदर हम कमर के अंदर छोटा छेद कर डायरेक्टली गुर्दे में घुस जाते हैं, या दूसरा होता है URS या RIRS, जिसमें हम बहुत ही बारीक दूरबीन से पेशाब के रास्ते से गुर्दे की पथरी तक पहुँच कर लेज़र से उसको ब्लास्ट कर देते हैं। दोनों ही ऑपरेशन सेफ है, दोनों ही ऑपरेशन अलग अलग पथरी के साइज़ के हिसाब से है। अगर पथरी बहुत बड़ी है तो PCNL करते हैं, अगर पथरी छोटी है तो RIRS या URS से काम बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस ऑपरेशन में क्या चीरफाड़ होती है, क्या टाँके लगते हैं? नहीं, गुर्दे की पथरी के लेज़र ऑपरेशन में कोई चीरफाड़, टाँके, खून रिसाव नहीं होता है। बहुत छोटी बारीक दूरबीन, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उस दूरबीन को पेशाब के रास्ते लेके जाके पथरी तक चले जाते हैं। इसमें शरीर पे कोई भी टाका, कोई भी कट, कोई भी चीरा नहीं आता है। हाँ, अगर PCNL करा हो जाए तो PCNL के अंदर ज़रूर कमर के अंदर एक छोटा आधे इंच का या क्वार्टर इंच का टाका आता है, पर वो टाका फटाफट भर जाता है। इस ऑपरेशन में ना कोई बड़ा लंबा दर्द है, ना कोई बड़ा लंबा रेस्ट है। डे केयर में भी या एक दिन के हॉस्पिटल में रुकने से ऑपरेशन हो सकता है और आप फटाफट अपने काम धंधे में फिर से लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने दिन में आदमी घर जा सकता है? गुर्दे की पथरी के लेज़र ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। और अगर सब कुछ ठीक रहे तो मरीज़ 1 दिन के बाद घर जा सकता है, अपना रेगुलर चलना फिरना काम चालू कर सकता है और हफ्ते के अंदर ऑफिस का या भारी काम स्टार्ट कर सकता है। क्या इस लेज़र ऑपरेशन में क्या क्या खतरे हैं, ये एक और क्वेश्चन है। करा तो ले ऑपरेशन डॉक्टर साहब, पर क्या खतरे हैं? क्या इस ऑपरेशन से बहुत जानलेवा खतरे हैं? देखिए, कोई भी ऑपरेशन है उसके अपने रिस्क रहते हैं, पर अगर हम ऑपरेशन को ठीक ढंग से किया जाए, अगर ट्रेन डॉक्टर्स ऑपरेशन को करें, मशीनें साफ़ हो, OT साफ हो, तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। इन ऑपरेशन के 2 सबसे बड़े खतरे हैं, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। इन्फेक्शन माने तो जब पथरी टूटती है तो उसके अंदर के बैक्टीरिया निकल के खून में मिलके बुखार या BP कम कर सकते हैं, और ब्लीडिंग माने तो थोड़ा पेशाब में खून आ सकता है। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है, पर ये यूजुअली उन मरीज़ों में होता है जो कि बहुत बूढ़े हैं या उनके ऑपरेशन पहले बहुत बार हो चुके हैं या जिनके अंदर सही तरीके से ऑपरेशन ना किया गया हो। अगर सही तरीके से ऑपरेशन किया जाए तो 99.9% मरीज़ एकदम बढ़िया तरीके से अपने घर चले जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पड़ता है कि कितना महंगा है ये ऑपरेशन। पहले, आज से 3-4 साल पहले भी ये ऑपरेशन बहुत महंगा होता था। लेज़र की कीमत कम हो गई है, दूरबीन की कीमत कम हो गई है और डॉक्टर ट्रेनिंग करके इस ऑपरेशन को करना शुरू कर दिए हैं, तो अब धीरे धीरे गुर्दे की पथरी का लेज़र ऑपरेशन बहुत सस्ता और हर आम आदमी इसको आज के दिन अफोर्ड कर सकता है। ये ऑपरेशन कई पैनल्स में, TPA में, इंश्योरेंस में भी कवर्ड है,
तो अगर आपका इंश्योरेंस है या आपका टीपीए या पैनल है तो उसके अंदर भी हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई शंका निवारण के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे ईमेल पे मुझे लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको इस गुर्दे के पथरी के लेज़र ऑपरेशन के बारे में आप चाहे कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊँ या कोई और क्वेश्चन आपका है दिमाग में जो मैं सॉल्व करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।